यहाँ से फीड करेंगे और इसको बंद कर देंगे। नंबर एक इसके दाहिने होगा, नंबर दो इसके बाएं होगा और शिस्त लेकर के ये इसका साइटिंग सिस्टम है। 1150 या ऐसे करके बोलते हैं, समझ गए? तो इसको भी ऐसे बताना आपने कि इसका वजन कितना, भरने का वजन कितना हो गया? 250 नहीं बोलना, 150 नहीं बोलना है, 250। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये अमनीशर इतना ज्यादा कॉस्टली भी है और इफेक्टिव भी ज्यादा है। जब ये टैंक से टकराता है ना, जैसे पुराने टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट होता था, ठीक है, वैसा बिल्कुल को एक सेकंड में 14 राउंड पड़े। हाँ तो वही निकाले एवरेज, ठीक है। और कुछ बंदा नहीं बचेगा यार, बट स्टॉक फ्लेक्सिबल है, आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं। जैसे अगर आप पंकज चौधरी की तरह लो, लंबी हाइट के हैं। इसका कारगर रेंज भी हमारे इंसास राइफल से ज़्यादा है। कारगर रेंज उसका 400 मीटर था, इसका कारगर रेंज 500 मीटर है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड 1900 लगाना है यहाँ, 50 से लेकर आपने 1750 मीटर तक यहाँ से ही आपने क्या करना है, लगाना है। रेंज इस प्रकार से, ये रेंज का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, क्या दिया है, एंगल होगा लिंक, ये 30 लिंक है, तो इसको 30 ही मिनट हो रही है, ठीक है। तो ये आप टेगर दबाते रहोगे, ये खत्म भी हो जाएगा, मगर फायर खत्म नहीं होगा। यानी कि ये क्या कैडेट बी एम आदर्श चंदेल फ्रॉम GDC फिलोड़ा, और आज हम यहाँ पे NCC का एक कैंप करने आए, ATC कैंप नगरोटा में। और यहाँ पे आज हमें वेपन डिस्प्ले, बहुत सारे वेपन्स के बारे में बताया गया, वो वेपन्स जो हमने ना ही हम कभी, अगर सिविल लाइफ में होते, स्कूल में NCC नहीं रखी होती हमने, तो हम वो वेपन्स कभी नहीं देख पाते। और यहाँ पे वो वेपन्स का हमें यूज़ बताया गया कि वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, और मतलब कैसे, किस किस सिचुएशन में हम उन्हें यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे वेपन्स थे जिनके बारे में मतलब कभी भी हमने नहीं देखा हुआ था। और अगर आज हम NCC में नहीं होते तो शायद हमें ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती कि हम इन वेपन्स को कभी देख पाएँ। और इसलिए मैं अपनी इंडियन आर्मी और जो हमारे CO सर हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि लाइक उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की दी है, दी रखी है इस कैंप में, और इतना कुछ हमें सीखने को मिला है। समझ में आ रहा है? तो ये कितना गेंद फायर करेगा? 30, यानी कि एक एमिशन बॉक्स में, ये एमिशन बॉक्स खाली होगा तो आप 3 KG होगा। यदि इसको आप पूरा भर दोगे